हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सिरिटी फिजियो। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोना डिस्कस अबाउट द फिजियोथेरेपी असेसमेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ अटैक्सिया। अटैक्सिया के बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और असेसमेंट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर फिजियोथेरेपी असेसमेंट के बारे में, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पार्किंसंस के फिजियोथेरेपी असेसमेंट और मैनेजमेंट के बारे में जाना था, और उससे भी पहले ओवरऑल न्यूरो के हर एक केस में हम किस तरह से कलेक्टिवली फिजियोथेरेपी असेसमेंट लेते हैं वो हमने समझा था। तो अगर आपने वो पीटी असेसमेंट इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर आप वो देख लीजिए, क्योंकि इन द मेजोरिटी ऑफ द न्यूरोलॉजिकल केसेस हमारा असेसमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल वही सेम होता है। एक दो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है हर एक कंडीशन के अंदर में, पर वो जो वीडियो है वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि फिजियोथेरेपी असेसमेंट किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हमें कैसे लेना है और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। क्लियर। यहाँ पे बात करें अगर अटैक्सिया की फिजियोथेरेपी असेसमेंट के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारा डेमोग्राफिक डेटा होगा उन सभी डेमोग्राफिक डेटा उसको लेने के बाद हमें आना है ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, पोस्चर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अटैक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें टोटली बैलेंस और जो कोऑर्डिनेशन है पेशेंट का वो गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे केस में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज भी आ सकते हैं पेशेंट के अंदर में, तो हमें पोस्चर भी पेशेंट का चेक करना है। ट्रिमर भी बहुत कॉमन है अटैक्सिया के, बहुत सारे पेशेंट्स में अटैक्सिया में ट्रिमर हमें कॉमनली दिखता है, वो ट्रिमर को ऑब्जर्व करना है। वो ट्रिमर किस टाइप का है, वेरिएशन ऑफ ट्रिमर क्या है, इंटेंसिटी किस इंटेंसिटी से ट्रिमर हो रहा है और वो कब हो रहा है, ट्रिमर हमेशा कंटिन्यूअस हो रहा है या फिर कभी कभी ट्रिमर होने लग रहा है, ये सभी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम आते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सबसे पहले मोटर एग्जामिनेशन के अंदर में हमें मसल टोन चेक करना है कि मसल का टोन क्या है, हाइपोटोनिया है या हाइपरटोनिया है। इसके बाद मसल टाइटनेस प्रेजेंट है या नहीं है, रेंज ऑफ मोशन क्या है हर एक ज्वाइंट्स के, क्या कोई रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, किसी ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है तो अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो किस कारण से रिस्ट्रिक्टेड है हमें वो देखना है। रेंज ऑफ मोशन के बाद हमें फिर आना है मैनुअल मसल टेस्टिंग, MMT। MMT के थ्रू हम ग्रेडिंग कर सकते हैं कि हमारे जो पेशेंट हैं उनके मसल्स में पावर क्या है, मसल का पावर है या नहीं है, अगेंस्ट द ग्रेविटी या विदाउट ग्रेविटी, विथ रेसिस्टेंस, हर एक चीज में क्या हमारे पेशेंट का मसल फंक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। इसके बाद टेस्ट फॉर ब्रेडिकाइनेसिया। एक्चुअली ये ब्रेडिकाइनेसिया का टेस्ट यहाँ पर हम नहीं करते हैं ज्यादातर, इस ब्रेडिकाइनेसिया के बारे में हमने पार्किंसन में डिस्कस किया था। ब्रेडिकाइनेसिया पार्किंसन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें होता ही है कि पेशेंट को जो एक्शन करना है वो एक्शन डिले हो जाता है। पेशेंट को अगर ग्लास एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखना है तो वो मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, उसी को हम ब्रेडिकाइनेसिया बेसिकली बोलते हैं। तो अटैक्सिया में जनरली हमें ब्रेडिकाइनेसिया नहीं देखने को मिलता है, ये पार्किंसन में ही देखने को मिलता है। देन फिर ट्रिमर का एग्जामिनेशन, अभी जस्ट हमने बात किया ट्रिमर का लोकेशन क्या है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिमर अपर लिम में है, लोअर लिम में है, किस जगह पर है, उसका सिवियरिटी क्या है, अर्थात सिवियरिटी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उसका इंटेंसिटी क्या है, वो कितने तेज हो रहा है ट्रिमर, स्लो हो रहा है या तेज हो रहा है ट्रिमर, हमें ये देखना है, और वो उसका ड्यूरेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद फिर पोस्चरल कंट्रोल एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटैक्सिया में पोस्चरल कंट्रोल और बैलेंस बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है। अगर सीवियर केसेस में आप देखेंगे तो फिर उसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां मिलती हैं पेशेंट के पोस्चरल कंट्रोल, और पेशेंट अपने आप को बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। इनफैक्ट अगर पेशेंट को चलना हो, वॉकिंग करना हो, तो वॉकिंग करने में भी उसका गेट पैटर्न बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। ठीक है। तो पोस्चरल कंट्रोल हम बर्ज बैलेंस टेस्ट से, बर्ज बैलेंस स्केल से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि बर्ज बैलेंस स्केल क्या है देन बताइएगा, आई विल मेक अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग द स्केल। और मैं सोच भी रहा था कि एक प्लेलिस्ट, एक सीरीज बनाते हैं जिसमें जितने भी स्केल्स हैं, जैसे बर्ज बैलेंस स्केल है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, उसके बाद हमारा बहुत सारे ऐसे और स्केल्स हैं, उन सभी स्केल्स के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाए। बताइए अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं इन स्किल्स के बारे में जानने में, डीपली कैसे चेक करते हैं हर एक चीज के बारे में, तो फिर मैं स्किल्स का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हर एक स्किल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आते हैं गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस में हमें गेट के सारे पैरामीटर्स को चेक करना है। जनरली हमें अटैक्सिया के केस में जो पेशेंट मिलते हैं उन सारे पेशेंट्स का गेट बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, वो पेशेंट बिल्कुल भी कंट्रोल्ड वे में, बिल्कुल भी बैलेंस्ड वे में नहीं चल पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अटैक्सिया में हमें गेट एनालिसिस भी करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का टेस्ट आता है। कोऑर्डिनेशन के टेस्ट के लिए फिंगर नोज फिंगर टेस्ट करा सकते हैं,
फिंगर टू फिंगर पेशेंट को बोलेंगे अपने दोनों फिंगर टिप को जल्दी आपस में टच कराने के लिए, उससे हम चेक कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन का लेवल कैसा है पेशेंट का। देन फिर आते हैं सेंसरी एग्जामिनेशन। सेंसरी एग्जामिनेशन जनरली हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं मिलता है पेशेंट के बॉडी में, अटैक्सिया में जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है कि सेंसरी एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ ही है, पर फिर भी सेंसरी एग्जामिनेशन के लिए हमें सुपरफिशियली पेन, टच, टेम्परेचर, डीप सेंसेशन के लिए प्रेशर, वाइब्रेशन एंड ज्वाइंट पोजिशन सेंस, और कॉर्टिकल सेंसेशन के लिए टैक्टाइल लोकलाइजेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस। इन सभी के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, उस फिजियोथेरेपी असेसमेंट फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वाली वीडियो के अंदर में इन सभी के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया है मैंने, और इसके अलावा और भी चीजें हैं सेंसरी एग्जामिनेशन के अंदर में, वो भी मैंने बताया है, आप जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर में आपको दे दूंगा, आई बटन पर पॉप हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारा सेंसरी एग्जामिनेशन। सेंसरी एग्जामिनेशन के बाद आता है कॉग्निटिव फंक्शन, अर्थात कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस कैसा है, पेशेंट का मेमोरी कैसा है, ओरिएंटेशन और स्पीच। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं ऐसा कि अटैक्सिया के केस में स्पीच डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है हमें, पेशेंट को स्पीच प्रॉब्लम आता है, स्पीच में थोड़ा कठिनाई आता है बोलने में, पेशेंट कांपता है, आवाज क्लियर नहीं निकल पाता है पेशेंट का, तो ये भी हम वहाँ पर चेक करेंगे। इसके बाद चेस्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट, ये जनरली नॉर्मल ही मिलता है पेशेंट के, अटैक्सिया के पेशेंट्स में, बट हम ये कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्केल फॉर असेसमेंट एंड रेटिंग ऑफ अटैक्सिया, इसे हम शॉर्ट में SARA भी बोलते हैं। ये एक स्केल है जिससे हम अटैक्सिया के सिवियरिटी को जज करते हैं, जिससे हम अटैक्सिया के सिवियरिटी को पता करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ अटैक्सिया हम सारे एक्सरसाइज प्लान करते हैं। इस स्केल के बारे में भी अगर जानना होगा तो मैं इसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, नहीं तो अगर यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा स्केल फॉर असेसमेंट एंड रेटिंग ऑफ अटैक्सिया। इसके बाद आते हैं एम ऑफ फिजियोथेरेपी। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा एक असेसमेंट निकल जाएगा कि हमारे पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और किस लेवल का प्रॉब्लम है, किस एक्सटेंट का प्रॉब्लम है। उसके बाद अब हमें हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करना है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करने से पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि पेशेंट में हमारा एम क्या है, हम क्या चाहते हैं अपने पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो एम, सबसे पहला एम तो ये है कि हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे अटैक्सिया के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं, जिन्हें लगता है कि वो बिल्कुल पहले जैसे नहीं चल सकते या फिर पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो सकते, तो उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि ही और शी विल बी ऑल फाइन, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, इसके बाद हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो एम है वो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इम्प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा बात घूम फिर कर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पर ही आ रहा है। पेशेंट का कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ हो गया हुआ है, तो हमें पहले इम्प्रूव करना है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को। उसके बाद अगर हाइपोटोनिक अटैक्सिया है तो उसमें हमें टोन को नॉर्मल करना है, पेशेंट के गेट को इम्प्रूव करना है, पेशेंट का जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है ADL को इन्हांस करना है, और साथ साथ पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेल्फ डिपेंडेंसी को इंक्रीज करना है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत सीवियर केस ऑफ अटैक्सिया है, ट्रिमर बहुत ज्यादा हो रहा है पेशेंट के बॉडी में, तो ऐसे में क्या होगा, पेशेंट सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, उसे किसी और की सहायता चाहिए होगी अपने जीवन यापन के लिए। तो हमारे यहाँ पे एम ये रहता है कि पेशेंट जो है अपने आप पर डिपेंड, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए अपने जीवन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारा एम्स होना चाहिए हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए। क्लियर? अब आते हैं इसके बाद कि क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं एक्सरसाइज प्लान के लिए अटैक्सिया के। तो सबसे पहले हमारा जो पेशेंट है वो फुली रिलैक्स होना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन हमारा जो पेशेंट है वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट को जो मेथड और इंस्ट्रक्शंस, जो भी एक्सरसाइज आप कराने जा रहे हो उसके बारे में पहले बता दो कि आपको ऐसे करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप खुद करके बता दो कि आपको कुछ ऐसा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेशेंट्स को नीलिंग कराना चाहते हैं तो पहले आप खुद उस पोजिशन में आके बता दो कि आपको ऐसे यहाँ बैठना है, घुटने पर बैठना है। आप खुद उस पोजिशन में आकर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर दो कि बिल्कुल इसी तरह से आपको आना है। ठीक है, तो ऐसे में पेशेंट और रिलेट कर पाता है और वो अच्छे से उस चीज को, उस पोजीशन को अटेंड कर पाता है। क्लियर? इसके बाद पेशेंट शुड स्टार्ट द एक्सरसाइज स्लोली। अचानक से बहुत खतरनाक, बहुत रिग्रस एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर देना है पेशेंट का, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को एक्सरसाइज स्टार्ट कराना है। और साथ में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज वर्बल कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को ड्यूरिंग द होल सेशन मोटिवेट करता रहना है, वर्बली कमांड देते रहना है कि काम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पेशेंट के बॉडी में फटीग नहीं आना चाहिए। अगर फटीग डेवलप हो गया तो फिर पेशेंट एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएगा, अगर कर भी रहा है तो वो उस एक्सरसाइज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा।
यहाँ पर हमारे फिजियोथेरेपी में हम कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हैं अगर, तो पेशेंट का कंसंट्रेशन ऑन दैट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक पेशेंट कंसंट्रेट नहीं करेगा, जब तक पेशेंट एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमारा पेशेंट रिकवर नहीं हो सकता। इसलिए हमें फटीग से बचना है, पेशेंट को फटीग नहीं होने देना है। और फटीग से बचने के लिए आप पेशेंट्स को रेगुलर ब्रेक्स दे सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन। हर एक सेट्स, हर एक एक्सरसाइज के बाद आप उसे ब्रेक दे दीजिए, देन फिर अगले एक्सरसाइज पे मूव ऑन कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी एक्सरसाइज हमारा है, हमें और डिफिकल्ट एक्सरसाइज पे प्रोग्रेस करना है, क्लियर। हमें और डिफिकल्ट एक्सरसाइज पे प्रोग्रेस करना है, पर तब करना है जब लास्ट एक्सरसाइज में मास्टरी हो जाए, लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पेशेंट का बहुत अच्छे से कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नीलिंग और हाफ नीलिंग के बारे में बात करें, तो हाफ नीलिंग थोड़ा कम्प्लेक्स है नीलिंग से। तो सबसे पहले हम नीलिंग कराएंगे पेशेंट को, पेशेंट नीलिंग में बिल्कुल मास्टरी हो जाएगा, पेशेंट नीलिंग में बिल्कुल बैलेंस स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। देन फिर हम हाफ नीलिंग पे मूव ऑन करेंगे। पहले एक जो हमारा नीलिंग एक्सरसाइज है, नीलिंग पोजीशन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा सक्सेस, देन फिर वी मूव ऑन टू द मोर डिफिकल्ट एक्सरसाइज, दैट इज हाफ नीलिंग। और फिर हाफ नीलिंग हो जाएगा तो फिर अब उसमें और डिफिकल्टी लाएंगे, हाफ नीलिंग विथ ट्रंक रोटेशन करा देंगे, हाफ नीलिंग विथ रीचिंग करा देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग द होल सेशन ऑफ दिस अटैक्सिया एक्सरसाइज, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज प्लान, क्या क्या एक्सरसाइजेस हमारे अटैक्सिया के केस में हो सकते हैं, हमें क्या क्या एक्सरसाइज देना चाहिए, उस पर आते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सरसाइज फॉर अटैक्सिया, अटैक्सिया के लिए बहुत वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस हैं। आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पेशेंट को जिस चीज में ज्यादा कठिनाई आ रहा है, उस चीज के अकॉर्डिंग आप उस पर ध्यान देते हुए ज्यादा आप काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पेशेंट में एमएमटी आप चेक करते हैं, एमएमटी अगर लो आ रहा है, अगर पेशेंट के बड़ के मसल्स में पावर का परेशानी है, पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो सबसे पहले हमें पेशेंट को स्ट्रेंथ गेन कराना होगा। स्ट्रेंथ गेन कराने के लिए हम एक्टिव रेसिस्टिव मूवमेंट्स करा सकते हैं, इसके बाद हम पीआरई करा सकते हैं। इन सभी से क्या होता है कि पेशेंट के मसल्स में स्ट्रेंथ गेन होता है, तो स्ट्रेंथ देना है। देन फिर पीएनएफ पैटर्न्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पीएनएफ पैटर्न्स बहुत इफेक्टिव होता है अटैक्सिया के केस में। पीएनएफ पैटर्न्स जनरली हम स्ट्रोक में भी यूज करते हैं और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल केसेस में यूज करते हैं, पर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि पीएनएफ में हम जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब का, डी1 फ्लेक्शन करा रहे हैं, डी2 फ्लेक्शन करा रहे हैं, डी1 एक्सटेंशन करा रहे हैं, डी2 एक्सटेंशन करा रहे हैं, हर एक चीज में पैसिवली नहीं कराना है, पेशेंट को एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना होगा इन द पीएनएफ पैटर्न। और आप ड्यूरिंग द पीएनएफ पैटर्न्स हल्का रेसिस्टेंस भी दे सकते हो, ताकि पीएनएफ के साथ साथ हल्का रेसिस्टेंस आएगा तो स्ट्रेंथ गेन में और आसानी होगा और सहायता मिलेगा, क्लियर। तो पीएनएफ पैटर्न करना है, ब्रिजिंग करा सकते हैं और हाफ ब्रिजिंग करा सकते हैं, ये दोनों एक तरह का वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, इससे भी स्ट्रेंथ गेन होता है, ये भी हमारे स्ट्रेंथनिंग के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे एक्सरसाइज प्लान में। ये हम स्ट्रोक के केस में भी करते हैं, हाफ ब्रिजिंग और हाफ ब्रिजिंग। अब जैसे कि मैंने प्रिंसिपल में बताया था कि जब एक बेसिक एक्सरसाइज पे मास्टरी हो जाए, देन फिर वी विल मूव ऑन टू द मोर डिफिकल्ट एक्सरसाइज। तो बिल्कुल पहले हम ब्रिजिंग कराएंगे, इसमें मास्टरी हो जाएगा, फिर हाफ ब्रिजिंग कराएंगे। इसके बाद हम ब्रिजिंग के साथ साथ ट्रंक को रोटेट कराएंगे, पेशेंट को ब्रिजिंग पोजिशन में लाएंगे, एंड देन फिर हम पेशेंट के ट्रंक को रोटेट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और ये सेम चीज हम हाफ ब्रिजिंग के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टैंडिंग में करना है एक्सरसाइज, तो स्टैंड विथ हील ऑफ 1 फीट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ अदर, यानी कि हमारे पेशेंट को इस तरीके से स्टैंड करना है कि पेशेंट का एक पैर, एक जो हील है, उसके जस्ट फ्रंट में हमारे पेशेंट का दूसरा हील आए। इस पोजीशन में हमें पेशेंट को खड़ा करना है। इसमें क्या होगा, हमें पेशेंट को खड़ा करना है, आप 10 to 15 seconds के लिए खड़ा कीजिए इस पोजीशन में, फिर रिलैक्स, ऐसा इस चीज का आप 3-4 रेपिटेशन कराइए, और 3-4 रेपिटेशन के लगभग 4-5 सेट्स कराइए, अच्छा होगा उसमें, ठीक है। इसके बाद सिंगल लेग स्टैंडिंग, सिंगल लेग स्टैंडिंग ये हमारे बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें होता है क्या है कि पूरा के पूरे बॉडी का वेट एक सिंगल लेग पर ट्रांसफर होता है, एक सिंगल लेग पूरे के पूरे बॉडी को बैलेंस करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इससे बैलेंसिंग में बहुत हेल्प मिलता है। देन फिर हमारा टो स्टैंडिंग और हील स्टैंडिंग, ये दोनों भी हमारे बैलेंसिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट करता है। उसके बाद बैकवर्ड स्टेपिंग, बैकवर्ड स्टेपिंग भी बैलेंस में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। पेशेंट को उल्टा चलाना है, पीछे की तरफ चलाना है, फिर पेशेंट को साइड बाय साइड चलाना है, अगल बगल साइड साइड चलाना है। इसके बाद फिर हम स्ट्रेट गेट ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ, ताकि पेशेंट उन कॉम्प्लेक्सिटीज को और अच्छे से टैकल करके आगे बढ़ पाए, क्लियर।
इसके बाद एक सर्कल हम बना देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने सर्कल बना दिया कुछ रखकर, किसी चीज से चौक ले लिया हमने मार्कर से, जमीन पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसी सर्कल पर पेशेंट को चलना है, राउंड 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 राउंड, इस सर्कल से इधर उधर नहीं जाना है। शुरू शुरू में पेशेंट ऐसा होगा कि नहीं चल पाएगा, जैसे पेशेंट इधर से हमारा आ रहा है और इधर बार बार निकल जाएगा, बाहर थोड़ा बाहर निकल जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 पेशेंट इस पर हो जाएगा। जब ये सर्कल कंटिन्यू करते करते पेशेंट इस पे अच्छे से चलने लगे, तब फिर हमें एट पर चलाना है, ऐसा एट जैसा एक स्ट्रक्चर बनाना है, इस एट की फिगर पे पेशेंट को हमें चलाना है। जब सर्कल पे मास्टरी हो जाए तब, इससे भी हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलता है। देन फिर फिंगर टू नोज एक्सरसाइज, फिंगर टू फिंगर एक्सरसाइज, फिंगर टू नोज टू थेरेपिस्ट फिंगर, यानी कि फिंगर पेशेंट अपने दूसरे हाथ के फिंगर को टच करेगा, उसके बाद अपने नोज को टच करेगा, एंड देन फिर थेरेपिस्ट का फिंगर कहीं हवा में रहेगा, उसे टच करेगा। इससे भी हमारे कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलता है। देन फिर हील टू सिन एक्सरसाइज, टैपिंग हैंड एंड फुट, ड्रॉइंग ए सर्कल। ये सर्कल हम क्यों ड्रॉ करा रहे हैं? बेसिकली अगर पेशेंट के अपर एक्सट्रीमिटीज में बहुत ज्यादा ट्रिमर आ रहा है, बहुत ज्यादा इनकोऑर्डिनेशन है, तो उसे हम एक एक्यूरेट सर्कल बनाने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम सब बना रहे हैं एक सर्कल, तो ये हमारा सर्कल हुआ, ये एक एक्यूरेटली गोल सर्कल बन गया है, ठीक है। पर अगर हम बोलेंगे अटैक थे के पेशेंट को, तो वो कुछ ऐसा अजीब सा सर्कल बन जाएगा, वो एक एक्यूरेट सर्कल नहीं होगा। तो हमें सर्कल बनवाना है पेशेंट से, इससे क्या होगा, पेशेंट अपने हाथ को कंट्रोल करना सीखेगा, पेशेंट के जो हाथ है, पेशेंट के जो फैलेंजेस हैं, जो अपर एक्सट्रीमिटी है, उसमें कंट्रोलिंग, उसमें कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। फिर पाइवट टर्निंग, पाइवट टर्निंग इज अ पार्ट ऑफ फिंगर एक्सरसाइज, तो पाइवट टर्निंग भी हेल्पफुल होता है बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए। नीलिंग, हाफ नीलिंग, अभी जस्ट मैंने बताया था, जब मैंने प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था वहां पे बताया था कि नीलिंग और हाफ नीलिंग ये करा सकते हैं। इन दोनों में मास्टरी होने के बाद नीलिंग विथ रीचिंग कराएंगे, नीलिंग में हम रीचिंग कराएंगे पेशेंट से। फिर नीलिंग विथ ट्रंक रोटेशन, नीलिंग में आकर ट्रंक रोटेशन कराएंगे हम पेशेंट का, इससे क्या होगा, बैलेंसिंग में और आएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे एक्सरसाइज प्लान को देखोगे तो हमारे पास एक्सरसाइज दो तीन एक्सरसाइज है, उन दो तीन एक्सरसाइज में मास्टरी हो गया, फिर उसको और कॉम्प्लेक्स किए, उसमें भी मास्टरी हो गया, फिर उसको और कॉम्प्लेक्स किए। तो ऐसा ही चलता है अटैक्सिया का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कि आपने एक एक्सरसाइज प्लान किया, उसे और कॉम्प्लेक्स करते चले गए पूरे टाइम में, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, पेशेंट उससे यूज टू होता चला जाएगा, और उसके अंदर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता चला जाएगा। जैसे ही नीलिंग में ट्रंक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब हम इसे और कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हाफ नीलिंग में ट्रंक रोटेशन कराएंगे अगेन, ठीक है। इसके बाद फ्रेंकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट फ्रेंकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, अटैक्सिया के केस में फ्रेंकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्रेंकल एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू जस्ट कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ द पेशेंट। ये टोटली कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पे ही फोकस करता है, और हमारे अटैक्सिया में यही तो गायब है ना, ये हमारे अटैक्सिया में ना तो कोऑर्डिनेशन है ना और ना ही बैलेंस है। तो फ्रेंकल एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अटैक्सिया पेशेंट्स, ओके। इसके बाद पोस्चरल ट्रेनिंग हमें देना है। जनरली होता क्या है कि जैसे ही पेशेंट का इनकोऑर्डिनेशन होगा, पेशेंट बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो पेशेंट अपने तरीके से कुछ ट्रिक मूवमेंट्स वगैरह करके अपने आप को बैलेंस करने के लिए अजीब सा पोस्चर कुछ बना लेगा, कुछ रॉन्ग पोस्चर बना लेगा, जिसके कारण पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकते हैं। तो पेशेंट को पोस्चरल ट्रेनिंग भी देना है, गेट ट्रेनिंग देना है। गेट ट्रेनिंग के लिए हम पेशेंट का जो भी हमारा गेट का फेजेस है, स्विंग फेज और स्टांस फेज में, हर एक फेजेस में, अगर स्विंग फेज के स्टांस फेज के बारे में बात करें, तो हमारे पास हील स्ट्राइक है, फुट फ्लैट है, मिड स्टांस है, हील ऑफ है, टो ऑफ है, इन सभी फेजेस पे पेशेंट को हम होल्ड कराएंगे 10 10 15 15 सेकंड के लिए, ठीक है। इसके बाद बैलेंसिंग बोर्ड पे हम पेशेंट का एक्सरसाइज कराएंगे, बैलेंस कराएंगे पेशेंट का। इसके बाद एक और एक्सरसाइज करा सकते हैं, क्वाड्रप्ट पोजिशन में हम पेशेंट को रखेंगे, क्वाड्रप्ट पोजिशन में रखेंगे पेशेंट को। और क्वाड्रप्ट पोजिशन में रखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, क्वाड्रप्ट पोजिशन में पेशेंट को रखेंगे, उसके बाद डायगोनली पेशेंट के लेफ्ट हैंड को हवा में रखेंगे, हवा में ऊपर करने के लिए बोलेंगे, और एट द सेम टाइम राइट लेग को हिप के लेवल में, फिर से समझिए, क्वाड्रप्ट पोजीशन में आने के बाद पेशेंट के लेफ्ट शोल्डर को हम सॉरी लेफ्ट हैंड को हम बोलेंगे शोल्डर के लेवल में लाने के लिए, और राइट लेग को बोलेंगे हम हिप के लेवल में लाने के लिए। लेफ्ट हैंड तो राइट लेग, सेम वाइस वर्सा, अगर राइट हैंड हम यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग हमारा होगा, ठीक है। तो हैंड को शोल्डर के लेवल में लाना है और हमारे लेग को हिप के लेवल में लाना है। इसे हम जनरली बहुत सारे बुक्स में इसे हम सुपरमैन पोजीशन भी कहते हैं, लिख दे रहा हूँ, सुपरमैन पोजीशन, सुपरमैन पोजीशन भी कहते हैं इसे हम। तो इस पोजीशन से भी बहुत ज्यादा हमें बैलेंस में हेल्प मिलता है, क्लियर। सो दिस वॉज अ डिस्कशन ऑन द
फिजियोथेरेपी असेसमेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉर अटैक्सिया। अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि और एक्सरसाइजेस में ऐड नहीं हो सकते हैं। देखिए अटैक्सिया के लिए बहुत सारे और एक्सरसाइजेस हैं, आप एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के लिए बहुत सारे फंक्शनल एक्टिविटीज करा सकते हैं पेशेंट से। बहुत सारे फंक्शनल एक्टिविटीज हैं जिससे पेशेंट को और हेल्प मिलता है, उसके एडीएल में और सहायता मिलती है, उसका जो इंडिपेंडेंस है वो अच्छे से और इंक्रीज होता है। पर ये कुछ कॉमन जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेस ऐड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट। आपके पेशेंट का क्या कंडीशन है, उसका मेजर चीफ कंप्लेंट क्या है, क्या क्या परेशानियां आपको दिख रही हैं, आफ्टर द फिजियोथेरेपी असेसमेंट, आफ्टर द एग्जामिनेशन आपका कंक्लूजन क्या है कि आपके पेशेंट में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप एक जो भी ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे उसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप बेशक पूछिएगा मेरे से। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे को, इंस्टा पे डीएम कर दीजिए, मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि जो मैंने बताया आपको, एक स्केल का मैं सीरीज बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें हर एक स्केल के बारे में बात करेंगे। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, बर्ज बैलेंस स्केल हो गया, फटीग असेसमेंट स्केल होता है, अभी जस्ट हमने बात किया सारा स्केल, स्केल फॉर अटैक्सिया का जो अटैक्सिया के सिवियरिटी के लिए जो स्केल है वो, तो उस सीरीज में हर एक स्केल के बारे में हम बात करेंगे डीपली और कैसे असेस करते हैं उन स्केल से। क्लियर, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा, मैं उस सीरीज को लाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं लाऊंगा। अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट आइदर द फिजियोथेरेपी असेसमेंट ऑफ स्ट्रोक और फिजियोथेरेपी असेसमेंट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। ओके, सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।